नमस्ते, आरतीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए तीन अलग अलग फ्लेवर्स के पाउडर के प्रीमिक्स बना के लेके आ रही हूँ, यानी शरबत के प्रीमिक्स, जिसे हम मिनटों में बना के तैयार कर लेंगे। और ये शरबत के पाउडर जो है, आप इसे पूरे साल भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसे पानी में बनाइए, दूध में बनाइए, सोडा या फिर स्प्राइट में, किसी में भी बना सकते हैं। मॉकटेल बनाइए, कॉकटेल बनाइए, मोजिटो बनाइए, आप इसे कुछ भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो रेसिपी आज मैं आपके लिए लाई हूँ, इसे जो है, इसका पाउडर बनने के बाद तो इसे बच्चे भी आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने ये प्रीमिक्स बनाया है, यहाँ पे मैं फ्रूट्स के अलग अलग पाउडर के प्रीमिक्स बना रही हूँ। आप कोई भी फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले संतरे ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये लगभग 500 ग्राम जितने संतरे लिए हैं मैंने, और इन संतरों को हम इस तरह से बीच में से कट कर लेंगे और इसका हमें जूस निकालना है। आप चाहे तो मिक्सी में या कोई और भी जूसर के ग्राइंडर में भी जूस निकाल सकते हैं। मुझे इसमें इजी लगता है, तो मैं इसमें इस तरह से संतरे का जूस निकाल के तैयार कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि सारे बीज ऊपर ही रह जाते हैं और जूस जो है अच्छे से छनकर नीचे भी चला जाता है इसके अंदर। यहाँ पे चार संतरे का जूस, लगभग ये एक ग्लास जितना जूस बन के तैयार हो गया है। ये देख सकते हैं, ये आप 250 ml का ये कप है जो कि पूरा अच्छे से भर चुका है। अब यहाँ पे एक बड़ी सी थाली के अंदर हमें 1 किलो जितनी लगभग शुगर लेनी है, और इसमें हम इस जूस को इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे पहले मैंने आधी ही शुगर इसमें डाली है, यानी आधा किलो, और इसके बाद इसमें हम और भी डाल सकते हैं। आप जितनी भी यानी शुगर ले, आप अपनी क्वांटिटी से ले सकते हैं। और इसमें जूस भी आपको इतना ही मिलाना है कि एकदम अच्छे से शक्कर में ये मिल जाए, यानी शक्कर जो है हमारी दिखनी नहीं चाहिए। तो ये देखिए, ये मैंने लगभग 250 ml का जो कप था, यानी एक ग्लास जितना होता है, इस जूस को मैंने 1 किलो शुगर में अच्छे से मिला लिया है, और इसे इस तरह से हमें फैला देना है। और उसके बाद इसे हमें धूप में सुखाएंगे, या फिर आप इसे छाँव में भी सुखा सकते हैं, लेकिन ये धूप में जो है जल्दी सूख जाता है। सुखाते समय आप इस पर या फिर एक कोई कपड़ा ढक दीजिए, या फिर इस तरह से कोई भी एक जाली ढक दीजिए, जिससे कि इसमें मच्छर या कोई भी छोटे मोटे कीड़े नहीं गिरे। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो इसके ऑरेंज के छिलके बचते हैं ना, उसे आप फेंकिए मत। इसका एक पाउडर बना के बहुत ही आप इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे और किसके लिए करना है, मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी, मेरे नेक्स्ट चैनल, सेकंड चैनल पर। और इसके बाद यहाँ पे हम कैरी का, यानी आम पना कच्ची कैरी का शरबत का प्रीमिक्स बनाएंगे हम। तो इसका प्रीमिक्स बनाने के लिए आप इस तरह की कोई कद्दूकस करने वाली ले सकते हैं, मोटी पतली जैसी भी आपको ठीक लगे। मैं जो मीडियम साइज़ की आती ना, उससे कद्दूकस कर रही हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से हम इसे अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे कैरी को। आप चाहे तो इसे बिना छिले भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसे छिलकर भी कर सकते हैं। तो ये मैंने एक कैरी को अच्छे से पूरा कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें मैं यहाँ पे आधा किलो शुगर ले रही हूँ एक कैरी के लिए। तो यहाँ पे मैं एक कैरी का ही बना रही हूँ, तो मैं आधा किलो ही इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर आप जैसे यानी दो कैरी का बना रहे हैं, तो आधा से पौना किलो जितनी शुगर ऐड कर लीजिए, या फिर 1 किलो शुगर ऐड कर लीजिए। आपको जैसे यानी खट्टापन इसका पसंद है, आप वैसे कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें अभी कुछ भी नहीं मिलाना है, खाली कैरी और शुगर को ही हमें इसे सुखाना है। उसके बाद यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी का भी प्रीमिक्स बनाऊंगी। तो स्ट्रॉबेरी का प्रीमिक्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लगभग ये 350 ग्राम जितनी स्ट्रॉबेरीज लिए। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और इसके बाद इसके ऊपर के इस तरह से हमें डंठल हटाकर इसको 4-4 पीसीस में कट करने हैं। देखिए, कोई कोई स्ट्रॉबेरी में इस तरह के कीड़े भी आते हैं, तो प्लीज़ आप स्ट्रॉबेरी को कट करते समय ध्यान रखें, क्योंकि स्ट्रॉबेरी में कई बार कीड़े निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सारी स्ट्रॉबेरीज़ को हम मिक्सी के जार में डाल के इसकी एकदम स्मूथ सी पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी स्ट्रॉबेरी की एकदम अच्छी सी पेस्ट बन के तैयार हो गई है। फिर यहाँ पे मैंने ये लगभग इसमें 1 किलो जितनी शुगर ली है,
और इसमें हम स्ट्रॉबेरी की ये प्यूरी पूरी इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप स्ट्रॉबेरी का कलर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमें पहले इसमें कोई भी कलर नहीं ऐड करना है, क्योंकि धूप में सुखाने के बाद इनके जो कलर है वो थोड़े से उड़ जाते हैं, तो इसे भी मैं धूप में सुखा लूँगी। दूसरे दिन देखेंगे हम कि ये जो हमारे जो प्रीमिक्स के लिए हमने बना के तैयार किए वो किस तरह से ड्राई हो चुके हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे थोड़े से ड्राई हो चुके हैं, लेकिन इसे लगभग सूखने में 3 से 4 दिन, अगर अच्छी धूप हो ना तो 3 से 4 दिन में ये सूख के तैयार हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये दूसरे दिन थोड़ा सा इस तरह से ड्राई हो चुका है। इसे आपको लगभग हर एक दिन के बाद ना इसको आपको इस तरह से अच्छे से थाली से निकाल कर आपको इसे इस तरह से ऊपर नीचे करना है, वरना क्या होगा कि ये थाली में जो अच्छे से एकदम चिपक जाएगा और फिर ये निकलेगा नहीं। तो इसलिए आपको इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करना है हर एक दिन। तो यहाँ पे मैं इसे रोज़ इस तरह से अच्छे से ऊपर नीचे करती हूँ, ताकि ये सूखने में भी जल्दी सूख जाए और ये चिपके भी नहीं थाली के ऊपर। 3 दिन के बाद आप देख सकते हैं ये ऑरेंज का जो फ्लेवर है ये काफ़ी सूख चुका है, कैरी वाला जो है एकदम ही सूख चुका है, और स्ट्रॉबेरी का थोड़ा सा गीला है अभी, तो इसे हम थोड़े दिन और सुखाएंगे। ये 5 दिन के बाद जो है ऑरेंज फ्लेवर का एकदम अच्छे से सूख चुका है, और ये काफ़ी थाली में भी मैंने इसमें से रोज़ इसे ऊपर नीचे करती थी, इसलिए ज़्यादा चिपका भी नहीं है। तो इसे हम अब मिक्सी के जार में डालकर इस तरह से पीस लेंगे। स्ट्रॉबेरी का सूखने में लगभग 6 दिन लगे हैं, लेकिन ये ऑरेंज फ्लेवर का 5 दिन के अंदर ही हमारा सूख के तैयार हो चुका है। तो इसे हमें खाली एक बार इसे ही पीसना है, उसके बाद की इसमें हम चीज़ें भी मिला लेंगे। तो ये अच्छे से फाइन पाउडर बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हम ग्लूकोज पाउडर मिलाएंगे, क्योंकि गर्मी का टाइम है, ग्लूकोज तो सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है और काफ़ी ठंडक भी पहुँचाता है हमारे शरीर में। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ग्लूकोज ऐड कर लीजिए। मैंने इसमें लगभग 1 कप जितना ग्लूकोज ऐड किया है पूरे पाउडर में। उसके बाद यहाँ पे आप लेमन कलर या ऑरेंज कलर इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसमें आपको ऑरेंज का एसेंस भी मिलाना है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑरेंज का इम्यूलेशन था, जिसमें कि कलर और एसेंस दोनों ही मिले हुए साथ में ही आते हैं। अगर आपको इम्यूलेशन मिले तो आप इम्यूलेशन ही ऐड कीजिए, अगर नहीं तो आप इसमें ऑरेंज फूड कलर और एसेंस ऐड कर सकते हैं ऑरेंज का। उसके बाद इसे हम थोड़ा सा चटपटा बनाएंगे। तो इसमें मैंने इसमें थोड़ा सा 1/2 टीस्पून जितना सादा नमक यानी रेगुलर जो नमक आता है वो, और 1/4 टीस्पून जितना इसमें मैंने साइट्रिक एसिड मिलाया, जिससे कि इसमें हल्का सा खट्टापन आ जाए। और उसके बाद इसे अच्छे से मिला के पीस लीजिए। फिर इसे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही हमें किसी एयरटाइट कंटेनर में भरना है, क्योंकि पाउडर पीसते समय जो है गर्म हो जाता है। अगर आप इसे गर्म गर्म भर लेंगे तो ये स्टिकी होके एकदम पूरा अच्छे से मिल जाएगा और एक बड़ा सा पत्थर जैसे बन जाएगा। तो आप देखिए इसे इस तरह से फटाफट से 2 चम्मच पानी में घोलिए पाउडर का, और ये हमारा जूस बनके तैयार हो गया है ना, बहुत ही ईजी एकदम प्रीमिक्स। इसके बाद ये यहाँ पे कैरी का प्रीमिक्स, ये तो हमारा 3 से 4 दिन में ही सूख के तैयार हो गया था कैरी वाला। तो इसे अब हम इस तरह से मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे भी एकदम फाइन पाउडर बना के इसका भी हम तैयार कर लेंगे। कच्ची केरी का प्रीमिक्स है, तो ऑफकोर्स इसके अंदर हमें थोड़ा सा इसे चटपटा बनाना है। इसके लिए यहाँ पे मैंने इसमें 1/2 कप जितना ग्लूकोज पाउडर ऐड कर दिया, और 1 टीस्पून जितना ब्लैक काला नमक, 1/2 टीस्पून सादा नमक रेगुलर नमक, 1 टेबलस्पून सेका हुआ जीरा या पाउडर भी डाल सकते हैं आप जीरे का, और 1/4 टीस्पून जितनी काली मिर्ची का पाउडर डाल दी इसमें मैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, काली मिर्ची अगर आप चाहें तो डालें या ना भी डालें। फिर इसमें हम बीच में इस तरह से हल्की सी स्पेस बना लेंगे, और इसमें मैं 1/4 टीस्पून जितना कच्ची कैरी का एसेंस और कुछ ड्रॉप्स ग्रीन कलर की ऐड कर रही हूँ। ग्रीन कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ना डालें इसमें, लेकिन जब ये शरबत बनाएंगे ना तो ये हल्का सा ग्रीनिश दिखेगा, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। तो ये हमारा कच्ची कैरी का प्रीमिक्स भी बनके तैयार हो गया है। इसे भी हम ठंडा होने के बाद एक कोई एयरटाइट कंटेनर में भर के रख देंगे, और इसके बाद हम इस तरह से स्ट्रॉबेरी का भी बना लेंगे। ये स्ट्रॉबेरी का आप देख सकते हैं धूप में सुखाने के बाद काफ़ी कलर जो है उड़ चुका है।
इसे मिक्सी के जार में डालकर इसका भी एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे। इसमें हमें कुछ भी नहीं मिलाना, ना ही नमक, ना ही साइट्रिक एसिड और ना कुछ और, खाली इसमें हमें एसेंस और फूड कलर मिलाना है। क्यों? क्योंकि इसे हम दूध में भी बना सकते हैं। तो दूध में बनाने के लिए आप इसमें साइट्रिक एसिड और मत यूज डालिएगा। पहले आपको जब भी ज़रूरत हो, आप कॉकटेल मॉकटेल या मोजिटो बना रहे हैं ना, तब इसमें आप नमक या फिर चाट मसाला या जो भी आपको ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप पहले से करके रखेंगे तो आप इसे दूध में नहीं बना सकते हैं। तो ये हमारा स्ट्रॉबेरी का भी प्रीमिक्स बन के तैयार हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे आपको मैं सारे जूस भी बना के दिखा देती हूँ, तीनों तरीके के। फिर मैं यहाँ पे तीन ग्लास बना रही हूँ, तो तीन ग्लास को हमें नींबू से इस तरह से पहले ऊपर हल्का सा रगड़ना है ताकि इस पर नींबू जो है अच्छे से लग जाए। उसके बाद में हमें एक प्लेट के अंदर स्प्रिंकल्स या कुछ भी शुगर पाउडर भी ले सकते हैं आप, उसको आपको इस तरह से लगा लेना है जैसे कि हमारी जो ग्लास है बहुत ही अच्छी दिखे। फिर यहाँ पे मैंने तीनों ग्लास के अंदर तीनों प्रीमिक्स अलग अलग डाल दिए हैं, दो दो टेबल स्पून जितने, और दो दो टेबल स्पून जितना ही इसमें हमें पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पे आपको मैं ये जूस बहुत ही इसी तरीके से बन के तैयार हो जाते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर यहाँ पे मैंने एक एक टेबल स्पून यहाँ पे सब्जियाँ को जो है भिगो के रखे थे, तो यहाँ पे मैं भिगे हुए सब्जियाँ जो है एक एक टेबल स्पून यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हम इसमें स्प्राइट ऐड करेंगे। आप चाहे तो क्लब सोडा, प्लेन सोडा भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें पानी में भी मिला के तैयार कर सकते हैं। जिसमें आपकी इच्छा आप इसे मिला के इस तरह से तैयार कर लीजिए। तो ये हमारा मिनटों में जूस बन के तैयार हो गया है। ये कॉकटेल मॉकटेल आप कुछ भी बनाइए, बहुत ही अच्छा बनता है ये प्रीमिक्स। और आप इसे पूरे साल भर तक आप इसे चाहे तो बिना फ्रीज के भी रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ का वेदर अच्छा नहीं है, वेदर थोड़ा ऐसे चिपचिपा और मॉइस्चराइजिंग का होता है, तो आप इसे फ्रीज में स्टोर कीजिए। यहाँ पे हमारे काफ़ी ड्राई वेदर है तो मैं इसे फ्रीज के बाहर ही स्टोर कर रही हूँ, तो ये पूरे साल भर के लिए ख़राब नहीं होगा। मैंने लास्ट ईयर भी बनाए थे और मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैं आपके साथ में ये साल जो है इसको आपको मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलती रहूँगी आपके साथ में इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।